वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। IRCTC घोटाले के मामले में मंगलवार को बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव की दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी और फिलहाल तेजस्वी यादव जमानत पर चल रहे हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि CBI ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर उनकी जमानत रद्द करने की मांग की थी। इसके बाद कोर्ट ने 17 सितंबर को तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर कोर्ट में पेश होने के लिए भी कहा था। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है और उससे पहले राज्य में चुनावी माहौल बन चुका है। बड़े बड़े राजनेता लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं और इस वक्त गुजरात में मुस्लिम वोट बैंक का बहस छिड़ी हुई है और कांग्रेस से लेकर आप तक में मुस्लिम हिमायती बनने की होड़ भी लगी हुई है। और इसी बीच आपको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने जो 53 चुनावी योद्धा अब तक गुजरात की सियासी पिच पर उतारे हैं उनमें से एक भी मुस्लिम चेहरा आखिर क्यों नहीं है। दिल्ली की आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले को लेकर CBI ने सोमवार को दिल्ली के ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ की है। CBI ने दो चरणों में करीब 9 घंटे तक सिसोदिया से सवाल किए हैं और इस दौरान आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन भी किया है। दो CBI ने ही मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से दो चरणों में पूछताछ की है और पहले चरण में करीब 3:30 बजे, 3 घंटे की बात कर ले तो सवाल पूछे गए हैं और फिर आधे घंटे के लंच ब्रेक के बाद करीब 6 घंटे और पूछताछ मनीष सिसोदिया से की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर यानी छोटी दिवाली पर अयोध्या के दौरे पर जाएंगे। वे यहां रामलला के दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना भी करेंगे। वे सरयू घाट तक पर ही आरती में शामिल भी होने वाले हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि PM मोदी राम की पेड़ी पर होने वाले दीप उत्सव में भी हिस्सा लेंगे। बताते चले कि 21 अक्टूबर को ही केदारनाथ का दौरा करेंगे PM मोदी और वे केदारनाथ पहुंचकर वहां चल रही विकास परियोजनाओं का जायजा लेंगे। बाबा केदार के दर्शन करने के बाद PM मोदी बद्रीनाथ का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को केदारनाथ दर्शन करने के बाद रात वहीं रुकेंगे और इसके बाद अगले दिन यानी 22 अक्टूबर को वो बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे और इसके बाद दीपावली के दिन 24 अक्टूबर भी हर साल की तरह PM सैनिकों के बीच ही त्यौहार मनाएंगे। बताते चले कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही नरेंद्र मोदी पिछले 8 साल से सैनिकों के बीच दीपावली मनाते आ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।